हेलो दोस्तों, नमस्ते। हम आ गए हैं फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी में। एकदम मज़ेदार है, बिना मसाला पीसे बनाएंगे और एकदम सिंपल और इजी। मात्र और मात्र आधा घंटा के अंदर हमारा पनीर का सब्जी है रेडी हो जाएगा, वो भी लाजवाब, एकदम टेस्टी, एकदम मज़ेदार। लड़का के लिए तो ये वरदान है, वरदान ये रेसिपी। मतलब वो लोग बहुत अस्कतिया होता है, वो तो बनाने मांगता नहीं है, बिना मसाला पीसे ऑर्डर पाउडर देके बना देता है। तो उसी के लिए ये सब्जी बहुत ही मज़ेदार, वो खुश हो जाने वाले हैं लड़के लोग। तो लड़के लोग देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए, हम 250 ग्राम पनीर लिए थे तो छोटका छोटका काट लिए थे, इसको आलू भी चाट को लिए थे। आप अपना हिसाब से लीजिएगा जितना आपको लगता है, हमारे इतना लेने का ही ज़रूरत नहीं है। जितना आपको लगेगा उतने लीजिएगा। थोड़ा बैकग्राउंड का आवाज़ थोड़ा घर घर कर रहा होगा क्योंकि फैन चल रहा है, तो थोड़ा आपको डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसके लिए पहले से ही हम माफ़ी मांगते हैं। जैसे गाना है ना, पहले से मैं मांगता हूँ माफ़ी, तो वही गाना सुन करके हमको याद आया कि पहले से ही हम माफ़ी मांग लेते हैं। तो देखिए, आलू को भी हम छोटका छोटका काट लिए हैं, फटाफट से जैसे पनीर काटे थे वैसे ही छोटा छोटा काट लिए हैं। और सारा आलू काटने के बाद उसको अच्छे से हम धो लेंगे। पनीर का भी साइज़ सेम रखे हैं हम, और आलू का भी साइज़ सेम रखे हैं। आपको जितना लगता है उतना ले लीजिएगा। देखिए, हम सेम टू सेम साइज़ रखे हैं पनीर आलू, एकदम चिकुट चिकुट। आलू को छील लीजिएगा ज़रूर। और कढ़ाई को हम गरम कर लिए हैं और तेल भी गरम हो चुका है। और हम अपना पहला वाला वीडियो के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं। हमारा चिकन का रेसिपी, हमारा घी का रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लोगों ने दिखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सारा प्यार मिला, सपोर्ट मिला हमको, क्योंकि हमारा नया चैनल है तो बहुत ही ज़्यादा हमको सपोर्ट मिल रहा है। तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग कह रहे थे कि थोड़ा अच्छे से बोला करो, बोल लैंग्वेज चेंज किया करो। देखिए, जो हम हैं वही बोलने का कोशिश कर रहे हैं। अगर अनाप शनाप बकेंगे तो बक नहीं पाएंगे। इंग्लिश में हाय गाइस, हेलो गाइस, ईद देखिए, ऊद देखिए, तो कैसे बोले बताए। जो इतना आता है उतने बोलते हैं, उतने दिखाने का कोशिश करते हैं हम आप लोगों को। तो देखिए, तीन गो प्याज और एक गो टमाटर एकदम छोटा छोटा काट लिए हैं, वो हमको जो है तेल में भूजना है, ठीक है। और ये जो है, देखिए, हम थोड़ा तीन गो प्याज जो है रखे थे, हम इसको थोड़ा सा मोटा मोटा काटे हैं, आप समझ जाइएगा। देखिए, हम एक गो टमाटर और एक तीन गो प्याज एकदम छोटा छोटा काटे थे, एकदम मेही मेही। और उसमें मिर्ची भी दो टुकड़ा करके लिए थे। और ये मोटा मोटा प्याज काटे हैं इसलिए क्योंकि इसको जो है ना हमको छीलना है। माने देखिए, जिस तरीके से वीडियो में आपको दिखा रहे हैं हम, वैसे ही ऐसे ऐसे करके भाग भाग करके छील लेना है। और आलू को जो है फ्राई कर लेंगे फटाफट से तेल में। देखिए, देखते रहेंगे हम। देखिए, आलू भी हमारा लगता है फ्राई हो चुका है, तो ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे नहीं तो कड़क हो जाएगा। तो फ्राई हमारा हो चुका है काफ़ी अच्छा से, तो सीज भी गया था, आप देखे ही थे। तेल गरम करके हम आलू फटाफट से डाल दिए थे फ्राई होने के लिए। तो फ्राई हो रहा है हमारा आलू, तो एकदम रेडी है हमारा आलू। अब हम डालेंगे इस कढ़ाई में पनीर, अपना पनीर जो काट के रखे थे उसको डालेंगे। क्योंकि आलू फ्राई करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बस कच्चा कच्चा लगेगा, एकदम लगेगा फिर से वही आलू दम मसाला कम। तो इसलिए आलू को भी फ्राई कर लीजिएगा अच्छा टेस्ट आने के लिए। तो पनीर भी देखिए हम भूज लिए हैं, पनीर ज़्यादा नहीं है यहाँ पे लग रहा है, पता नहीं कहे कितना ज़्यादा, 250 ग्राम ही पनीर था, मैंने 250 से 300 ग्राम शायद पनीर होगा। और देखिए, उधर हम एक ठो गैस जलाए हैं और थोड़ा सा जो है ना सस्पेन में हम पानी ले लिए थे। अभी सीक्रेट हम आपको बताएंगे, ये वाला सीक्रेट पनीर का, पनीर एकदम सॉफ्ट रखने का। पनीर अगर ठंडा भी जाएगा ना तो पनीर एकदम मुंह में घुलने वाला सॉफ्ट वाला आइडिया बता रहे हैं। इधर देखिए, हम पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिए हैं और पूरा खौलाना नहीं है, मतलब जैसे 100% में से 80% या 70% गर्म करना है, ठीक है। देखिए, टमाटर भी हम थोड़ा सा चार टुकड़ा ही किए हैं, ज़्यादा टुकड़ा नहीं किए हैं, चार टुकड़ा ही। एक है कि ग्रेवी में थोड़ा सा गोल गोल दिखता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, देख करके खाने में भी अच्छा लगता है।
तो सब प्रोसेस हम धीरे धीरे आपको बता रहे हैं, ध्यान से वीडियो में देखते जाइए आराम से। तो देखिए हमारा पनीर भी एकदम भुजा चुका है, लाल लाल हो चुका है। तो अब इस पनीर को हम क्या करेंगे, तो जो गर्म पानी जो हम इसमें किए हैं इसमें जो है फटाफट से हम रख देंगे। इससे क्या होगा कि तेल से जो है ना, अब बाहरे में जो हम लोग रख देते हैं ना प्लेट में, सब्जी बनाते हैं लास्ट में पनीर डालते हैं, तेल से क्या होता है पनीर कड़क हो जाता है। अगर गर्मे पानी में रख दीजिएगा तो तेल इसका ऊपर ऊपर आ जाएगा और गर्म पानी से पनीर जो है एकदम सॉफ्ट रहेगा। समझ गए ये ट्रिक? तो इसमें मेन ट्रिक दो तीन गो है, बहुत अच्छा अच्छा आपको दिखाते हैं बिना मसाला का कितना सब्जी टेस्टी बन सकता है पनीर का। तो तेल में हम जीरा डाल दिए हैं, जीरा एकदम लाल लाल होने देते हैं, काहे कि जीरा का नहीं तो कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा, जीरा तो डालना ज़रूरी ही है हर फोरन के लिए, जीरा जिंदाबाद। तो देखिए मिर्ची प्याज और टमाटर जो छोटा छोटा किए थे उसको जो है ना हम अच्छा से तेल में डाल करके इसको एक साथ ही डाल देंगे, क्योंकि हम मसाला नहीं डाल रहे हैं तो ये हमारा मसाला का काम करेगा गलने के लिए। तो फटाफट से इसमें थोड़ा सा नमक हम डाल दिए हैं, मतलब ज़्यादा नहीं डाले, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चीनी डाले हैं इसको गलने के लिए। अब इसको क्या करेंगे, हम अच्छा से ढक करके रख देंगे एकदम कम आँच में, कम आँच में 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे और 5 मिनट के बाद आपको रिजल्ट दिखाते हैं। देखिए एकदम कम आँच में छोड़े हैं तो ये हल्का हल्का गल चुका है एकदम, और छलनी से थकुच लेंगे। और वो जो पानी जो हम रखे थे आपको ध्यान होगा यही पानी हम थोड़ा सा देंगे और फिर से हम जो है 5 मिनट के लिए इसको ढक के रखेंगे, क्योंकि ये गलेगा ना तो एकदम मसाले का काम करेगा। तो आपको धीरे धीरे वीडियो में बने रहिए, आपको सब पता चल जाएगा कि पनीर का सब्जी भी बिना मसाला का बन सकता है पीसा। कहे कि हम लोग पीसते हैं ना जीरा लहसुन प्याज टमाटर सब पीस लेते हैं, कोई अच्छा पनीर का सब्जी बनाते हैं, तो आज नहीं पीसेंगे, आज एकदम मज़ेदार बिना मसाले का सब्जी बनाएंगे। देखिए ये एकदम पूरा अच्छा से हमारा गल गया है, ये गल करके एकदम मसाला जैसा लग रहा है, एकदम टमाटर वमाटर गल चुका है। तो ये मोटा वाला जो काटे थे हम मसाला के लिए नहीं काटे थे, आप जो सोच रहे थे ना मसाला के लिए काटी हो, मसाला के लिए नहीं, इसमें बड़ा बड़ा डाले हैं काहे, पनीर के साथ साथ जो है ना बड़ा बड़ा प्याज ग्रेवी में आएगा तो देख करके लगेगा कि हाँ टमाटर प्याज सब। वो छोटा वाला तो एकदम गल के हलवा हो जाएगा, वो तो रस बन जाएगा, उसका तो कुछ पत्ते इतने नहीं लगेगा। ये जो गोटा गोटा टमाटर है ना तो प्याजी पनीर एकदम आलू उलू डाल के एकदम मतलब गर्दा उड़ा देगा सब्जी जो है एकदम। खा के देखिएगा, पहले बना लीजिए, पहले देख लीजिए उसके बाद बना लीजिएगा। तो देखिए इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाले हैं, ये जो है ज़्यादा देर भुनेंगे नहीं, क्योंकि ये प्याज को जो है ना गोटे गोटे रखना है, इसलिए ज़्यादा देर भुनेंगे नहीं, मात्र 1 मिनट भुनेंगे बस हो जाएगा। तो इसमें देखिए लाल मिर्ची डाले हैं, हम डाले हैं लाल मिर्ची कौन सा, वो जो लाल करता है सब्जी को, वो लाल वाला पाउडर डाले हैं। और यहाँ डाले हैं हम किचन किंग, और किचन किंग डाले हैं, इसमें डाले हैं हम पनीर मसाला थोड़ा सा, और फिर डाले हैं यहाँ पर थोड़ा सा हम धनिया का पाउडर, धनिया का पाउडर डाले हैं। अगर गरम मसाला डालने का मन है तो डालिएगा, नहीं डालने का मन है तो नहीं डालिएगा। तो यहाँ पे हम तैयो थोड़ा सा गरम मसाला हम डाल लिए थे, और शुरू में थोड़ा सा नमक डालवे किए थे यहाँ पर, लेकिन रस के लिए हम नमक डाल लिए, तभी तो प्याज का गलने के लिए डाले थे, अभी जो है रस उसके लिए डाले हैं हम। तो देखिए प्याज हमारा, प्याज और टमाटर गोटे गोटे हैं ना, ये रस में बहुत सुंदर दिखता है, देखिएगा आप लास्ट में। तो इसको जो है ज़्यादा भुनना भी नहीं पड़ता है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मात्र 1 मिनट गोल गोल घुमाएं, थोड़ा सा पानी दिए, वही पानी जो गर्म पानी जो हम रखे थे वही वाला यूज़ करेंगे, दूसरा यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, एक तो पानी वो गर्म है अच्छा रहेगा। तो इसमें हल्का सा डाल करके देखिए मसाला को, मतलब थोड़ा सा, नहीं तो जल जाता मसाला सूखा सूखा, तो थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, हल्का सा डाल करके इसको मिला करके इसको जो है ढक करके कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। बस 5 से 7 मिनट रखिएगा, आपका जो है मतलब तेल एकदम छोड़ देगा, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा, तेल ऊपर ऊपर छोड़ देगा, हल्का सा जो प्याज भी नरम हो जाएगा। तो देखिए
पाँच मिनट के बाद इसका रिजल्ट देखिए, एकदम तेल एकदम बह रहा है सब्जी में से। तो हमको यही चाहिए एकदम मस्त। अब इसमें क्या करेंगे हम, हमारा जो आलू उलू है, जो आलू हम फ्राई करके रखे हैं वही डालेंगे। तो देखिए कितना अच्छा मसाला हमारा रेडी हो गया, आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं। और प्याज जो बड़ा वाला है वो भी गोटे गोटे है। तो आलू डाल करके अच्छा से मिला लेंगे। आलू को जो है दो तीन मिनट के लिए हम भूनेंगे ढक ढक करके, ढक ढक कर, जो भी मतलब आलू में थोड़ा बहुत अगर कच्चापन रह गया होगा तो ढक ढक करके भूनेंगे। तो एक बार एक मिनट के लिए ढक के फिर उठाएं, एक मिनट के लिए ढक के फिर उठाएं, लाड़ते चाटते रहें। ऐसे करके हमारा आलू जो है रेडी हो गया मात्र दो तीन मिनट में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। बार बार बोलना पड़ेगा आप लोगों को कि हमारा नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो देखिए हमारा आलू भुना गया, उसमें क्या किए, वही पानी सहित डायरेक्ट पनीर जो है हम उझल दिए, क्योंकि पनीर तो पानी तो डालना ही था। और हम अच्छा वाला पानी लेवे किए थे गरम करने के लिए, उसमें तेल उल सब छोड़ल था। तो उतने में मेरा हो गया। अब इसको ढक देंगे लगभग मतलब 7-8 मिनट के लिए, एकदम कम आँच पर, मतलब मीडियम आँच पर ढक करके रख देंगे। और देखिए लगभग 5 से 7 मिनट के बाद एकदम उबल करके एकदम पनीर का सब्जी जो है एकदम रेडी हो गया, लाजवाब सब्जी एकदम आप देख पा रहे हैं। ये सब्जी एक बार बना करके खा के देखिए, इतना अच्छा लगेगा कि हम कह नहीं सकते। हम खुद बनाए बिना मसाला का सब्जी, इतना अच्छा लगा, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि हम खूब मसाले खा रहे हैं। सब चीज़ का टेस्ट एकदम बेहतरीन आ रहा था, टमाटर का भी टेस्ट, एकदम आलू का भी टेस्ट, प्याज का भी टेस्ट आ रहा था, मतलब एकदम लग रहा था प्रोफेशनल सब्जी। चलिए हो गया, फटाफट से इसको हम सर्व करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखिए सर्व करने के बाद देखिए कितना सुंदर लग रहा है प्लेट में, देखिए एकदम। इसको हम जो है चावल के साथ पति को देंगे खाने के लिए, तो देखने में अच्छा लग रहा है तो खाने में भी तो बहुत मज़ेदार लगेगा, प्याज उज अलग अलग। तो हम आपको मिलेंगे आपको ऐसे ही अच्छे से वीडियो में, इसलिए आप हमको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आज के लिए हमारी तरफ से बाय बाय।